नमस्कार, मैं एंकर सुहानी आज तक 24 न्यूज से आपके साथ। आज हमारे पास एक न्यूज है। जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन की हर गतिविधि पर रहेगी जिला निर्वाचन कार्यालय की नजर। बड़वानी 16 नवंबर 2023 विधानसभा निर्वाचन के तहत 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान केंद्रों, सेक्टर अधिकारियों एवं मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागृह में आधुनिक तकनीकी से लैस निर्वाचन का वार रूम बनाया गया है। इस वार रूम में मतदान केंद्रों की हर गतिविधि सहित क्षेत्र में भ्रमण कर रहे सेक्टर अधिकारियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल फतेह ने उक्त बातें गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकार संवाददाता सिंह बामनिया बदवानी से रिपोर्ट। जो है जो हमने तैयारी की है बेसिकली कम्युनिकेशन प्लान के बारे में, और शायद जिले में पहली बार हो रहा है ये कि एक वार रूम टाइप हमने बनाया है जिसमें मैक्सिमम चीजें जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो ये दिखाने का प्रयास था इसलिए बुलाया गया। और शायद ये संभवतः मुझे देखिए कैसे कि जैसे कि आपको विदित है कल 17 तारीख को मतदान होगा, इसके लिए जो है सभी आवश्यक तैयारी कर ली है। सभी जगह सभी सेक्टर्स में सेक्टर ऑफिसर्स नियुक्त है, हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स नियुक्त है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग सभी पोलिंग पार्टी जो है अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंच चुकी है। आवश्यक एएमएफ की व्यवस्था है जैसे पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पोलिंग पार्टी के लिए बिजली की व्यवस्था, मेडिकल किट की व्यवस्था, वोटिंग कंपार्टमेंट की व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर ली गई है। देखिए एक नया इनोवेशन हमने किया है जिले में जिसमें एक वेबसाइट बनाकर बेसिकली रियल टाइम हमारे यहाँ डेटाबेस ट्रैक हो रहा है कम्युनिकेशन के संदर्भ में, जिससे हमें पता चलेगा कि पोलिंग पार्टी की सामग्री वितरण से लेके सामग्री वापस जब पोलिंग पार्टी आएगी तब तक का पूरा सिस्टम जो है एंड टू एंड हमें हम ट्रैक कर सकेंगे। साथ में जो जीपीएस ट्रैक व्हीकल्स है और साथ में जो वेबकास्टिंग है उसको भी हम इंटीग्रेट करके उस डेटाबेस का उपयोग जो है शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए यूज कर सकेंगे। सर बूथ केंद्र पे कैमरे भी लगाया सर, सीसीटीवी कैमरा? यस, बूथ केंद्र पे लगभग 60% पोलिंग बूथ पे हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं जिसको हम लाइव देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और कंट्रोल रूम से हम जो है उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। जिन केंद्र पे सर कनेक्टिविटी जो केंद्र है उनपे सर क्या व्यवस्था की जिसको जानकारी प्राप्त हो रहा है? देखिए जैसे कि आप जानते हैं जिले में लगभग 194 के आसपास ऐसे बूथ है कि जहाँ कनेक्टिविटी के इश्यूज है या मोबाइल शैडो रीजन में है, तो उसके आसपास के जो पॉइंट्स है कि जहाँ कनेक्टिविटी आती है, जहाँ नेटवर्क आता है, उन पॉइंट्स को हमने चिन्हित करके उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हमारे पास है, साथ में ऐसे जगह रनर्स को भी हमने नियुक्त किया है जो रनर्स हमें समय समय पर फीडबैक दे सकेंगे। सर पिंक बूथ की क्या व्यवस्था? सर पिंक बूथ जिले में अभी तक जो है लगभग 62 मतदान केंद्र ऐसे हैं कि जहां ऑल वुमन पोलिंग स्टाफ रहेगा, उसका उन महिलाओं को प्रशिक्षण भी हमारे तरफ से दिया जा चुका है, उनकी ड्यूटी भी लगाई जा चुकी है और आज सभी से बात भी हो गई है मेरी, सभी जो है करने के लिए जो है तैयार है, मतदान करने के लिए तैयार है। संवेदनशील मतदान केंद्र जैसे कि आप जानते हैं संवेदनशील मतदान केंद्र पे बेसिकली जो है एक तो माइक्रो ऑब्जर्वर हमारे लगे हैं, हमने ये भी कोशिश की है कि वो जहां नेटवर्क हो वहां वेबकास्टिंग की जाए, साथ में जो है रिपोर्ट लेने के लिए अलग अलग पृथक पृथक लोगों की भी ड्यूटी हमने लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।